जय हिंद। एलकेवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ प्रवेश पवार। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना संसदीय सीट की तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज हम सहारनपुर संसदीय सीट को लेकर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बैकवर्ड मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ने वाले फराद आलम गाड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे सहारनपुर लोकसभा सीट को लेकर। सहारनपुर लोकसभा सीट पर क्या समीकरण है और किस तरह से विपक्षी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच मुकाबला है। सबसे पहले तो फराद भाई, आपका स्वागत है एलकेवी न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया परवेश भाई, आपने टाइम निकाला, आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। फराद भाई, अब तो चुनावी प्रचार का आधा समय तो चला गया चुनावी ऐलान के बाद, और कमी समय बचा है जो वोटिंग के लिए, तो किस तरह से सहारनपुर लोकसभा का आप जो चुनावी समीकरण है उसको देख रहे हैं? परवेश भाई, मैं इस चुनाव में एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा कि कब तक जुदा जुदा रहोगे, कब तक जुदा जुदा रहोगे, कब तक साथ ना होगे, मिलकर बैठो मिलकर सोचो वरना सब मारे जाओगे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान मसूद और माजिद अली जी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इमरान मसूद को समर्थन कर देना चाहिए, इस तरह की बात कर? नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जुदा जुदा की बात की ना आपने? मैंने जुदा जुदा आपकी अपनी है, मैंने सबकी बात की, पूरी लोकसभा के एक एक आवाम की बात की है। एक एक आवाम के अंदर आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, सभी आते हैं। यानी जैसे मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी है। देखो, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो इतने बड़े पद पर होने के बाद भी वो सबकी बात करते हैं, तो हम एक इतने छोटे से कार्यकर्ता होने के बाद हम सबकी बात क्यों नहीं कर सकते हैं? आखिर हम लोग अपनी अपनी बात क्यों करते हैं? कि मैं, मेरा परिवार, अभी आपने लोकसभा चुनाव की बात की है, मेरा समाज आपने अभी यहाँ पे एक बात की है, मेरा समाज। अगर फरहाद या परवेज, क्योंकि फराद गाढ़ा है, परवेज गुज्जर है, ये बात गुज्जर लगा दे अपने सामने या ये बात गुज्जर कर दे या गाढ़े कर दे तो बिरादरीवाद है। और अभी मैं कल से एक वीडियो देख रहा हूँ, क्या लोकसभा की, जो सहारनपुर लोकसभा का प्रत्याशी है उसकी खुद की बिरादरी जो अपने आपको बता रहे हैं कि शेख सियाद मुगल पठान अपने आपको बताकर, और जिस तरह से पंचायत की है और उस पंचायत के अंदर किस किस तरह से हसन परिवार को जलील करने का काम किया, और हसन परिवार को बता रहे क्षेत्र नेता, और यहाँ जो चुनाव लड़ रहा है उसको बता रहे इंटरनेशनल नेता। पर भाई, इंटरनेशनल किसे कहते हैं? इंटरनेशनल किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नेता बोटी बोटी करके तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में आए थे। मैं वही तो कहा ना, का जो बयान इन्होंने दिया था बोटी, वो इंटरनेशनल कुछ और भी होता है, वो अपनी सब जुबान से नहीं कहना चाहता। आप कह दीजिए। मैं नहीं कहना चाहता, वो जनता समझ जाएगी। जैसे अभी उन्होंने पीछे एक जिला पंचायत चुनाव में हमारे आदरणीय विधायक जी के बारे में एक बात कही थी कि आधी बात कहकर आधी खा ली थी, कि मर्द की तो गर्द में, क्या कहा था, किस छोटे जिले में हमारे मामू जान, हमारे पूर्व विधायक मसूद अख्तर साहब के बारे में क्या कहा था, कमर में छुरा घोंप दिया, किस छोटा उन्होंने, बेवा तबस्सुम हसन बेवा हुई, इद्दत में ही थी, उसके सामने जाकर चुनाव लड़ने का काम किन लोगों ने किया, इन लोगों ने किया। हज्जी फैज अहमद कुरैशी को मेयर का चुनाव हराने का काम किसने किया, इन लोगों ने किया। और तो और, हम समाजवादी पार्टी गठबंधन के लोग हैं, अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं, अखिलेश यादव कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज इमरान मसूद जो प्रत्याशी गठबंधन का, उसकी फेसबुक आईडी पे आप जाइए और वहां से जो उसकी गठबंधन का जो पोस्टर आया है, उस पोस्टर के अंदर मेरा श्रद्धेय नेताजी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन नेताजी का जो आज फोटो भी नहीं है, हमारे बैकवर्ड समाज के बड़े नेता आसूम अली साहब, उनका फोटो नहीं है, बेट से विधायक, उनका फोटो नहीं है, और किसका फोटो होगा? जब समाजवादी पार्टी के विधायक होगा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, जो जो संस्थापक रहे पार्टी के, हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का फोटो नहीं है, तो आप ये बताओ और किसका फोटो होगा? और क्या नारा दिया, मेरा मान, मेरा संविधान, क्या होता है मेरा क्या होता है, हमारा होता ना, हमारा मान, हमारा संविधान, उसमें सब आते हैं। मतलब जिन लोगों ने संविधान लिखा वो कुछ नहीं है, अब इसका लिखा संविधान चलेगा, जिसका खुद का ये नहीं पता कि रात को सोएगा और सुबह आग कौन सी पार्टी में खुल लगा, जब जाता है कांग्रेस पार्टी में
तो मेरे नेता अखिलेश यादव जी के बारे में क्या क्या बोलने काम करता है? जब समाजवादी पार्टी में होता है तो कांग्रेस को क्या कहा? खूनी पंजा। और जब फिर समाजवादी पार्टी में आया तो क्या कहा? बहन कुमारी मायावती के बारे में, दौलत की बेटी, कोई कमी छोड़ रखी है कहीं पे? इनकी कोई विचारधारा, इनकी कोई नीति है कोई? और आज मैं एक भाषण सुन रहा था कि राहुल की गारंटी, राहुल की गारंटी, राहुल की गारंटी। राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है, संघर्ष कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, तारीफ करता हूँ। मेरा अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता है, लेकिन इन्होंने इस आदमी ने किसी को छोड़ा? राहुल गांधी गारंटी है, मैं मानता हूँ उसकी गारंटी है, राहुल गांधी गारंटी है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कल को इस गठबंधन साथ रहेगा? पिछली बार 2019 में जो गठबंधन था, वो गठबंधन था मजबूती का, समाजवादी पार्टी का और बहुत समाज पार्टी का, उसको हर आदमी गठबंधन कहते थे। यही आदमी क्या बोलते फिर रहा था? ठग बंधन, ठग बंधन, ठग बंधन। आज जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के अंदर एक ही तो वोट है सहारनपुर में, चाहे वो कांग्रेस के रास्ते ले लो, चाहे वो सपा के रास्ते ले लो। उसको क्या करा है? उसको बता रहा गठबंधन। जो 2019 में इतना बड़ा गठबंधन हुआ उसे ठग बंधन बताया, आज गठबंधन गठबंधन करते फिर रहा। तो इसकी ना कोई नीति है, ना विचार, ना ये पता आज कौन सी पार्टी में, सुबह कौन सी पार्टी में होगा। जितने जल्दी आदमी कपड़े नहीं बदलता, उससे ज्यादा जल्दी ये आदमी पार्टी बदलता है। तो आज एक चीज बता, 70 साल इस आवाम ने इस परिवार पर यकीन किया, लेकिन आज नई पीढ़ी आ चुकी जिनके वोट बने हैं। आज वो नई पीढ़ी है, इन पर किस हिसाब से यकीन करें, किस बात पे यकीन करें, वो यकीन नहीं कर पा रही आज। फराद भाई, आपने राहुल गांधी जी को बड़ा नेता बता दिया, अखिलेश यादव जी को बड़ा नेता बता दिया, लेकिन जो उनके द्वारा घोषित उम्मीदवार है उनकी आप खुले मन से मुखालफत कर रहे हैं, यानी गठबंधन का यहाँ पर कोई वो नहीं रहेगा, आप बागी हो गए? मैं गठबंधन की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं उस प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ जो गठबंधन का प्रत्याशी है। कि वो गठबंधन का प्रत्याशी है, 3 महीने पहले सबको क्या कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी मुसलमान की निजात का रास्ता है? वही आदमी उससे 6 महीने पहले समाजवादी पार्टी के बारे में क्या बुरे बुरे शब्द बोल रहा था, अखिलेश यादव जी के बारे में क्या बुरे बुरे शब्द बोल रहा था, क्या कहा था मेरठ में, क्या कहा साहबपुर मेयर के चुनाव में कि अखिलेश यादव जी वोट कहां से लेकर आएंगे? आज तो खुदा तो कहां से लेकर होगा? मैं अखिलेश यादव सिपाही हूँ, अखिलेश यादव कार्यकर्ता हूँ, लेकिन गठबंधन के साथ नहीं हूँ। गठबंधन के साथ हूँ, अखिलेश यादव जी के मर्तदम साथ रहूंगा। हमारा एलायंस, एलायंस जो है इंडिया गठबंधन है, लेकिन हमारी रणनीति पीढ़ी है, राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, बार बार कहने भाजपा को हराओ, हम उसी रणनीति के ऊपर काम कर रहे हैं कि पीढ़ी जिताओ, भाजपा हराओ। अब पीढ़ी कैसे, जब पीढ़ी कैसा मान रहे हैं आप, बसपा प्रत्याशी के हिसाब से पीढ़ी बना रहे हैं क्या? पीढ़ी का मतलब है पिछड़ा, दलित, मुसलमान, किसान, नौजवान, ये सब लोग हैं। अब ये आपको कहां नजर आ रहा है? वो तो आपके साथ, आप तो खुद पत्रकार है कि पीढ़ी के साथ तमाम जनता चलने का काम कर रही है और तमाम जनता अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होकर पीढ़ी को वोट देने का काम करेगी, इंडिया अलायंस को भी वोट देने का काम करेगी मेरे हिसाब से। हमारी रणनीति उत्तर प्रदेश मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है और हमारी रणनीति पीढ़ी है, हम पीढ़ी पर काम कर रहे हैं। आप अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानते हैं? बिल्कुल, अखिलेश यादव मेरे नेता है, मरते दम तक रहेंगे। मैं ये नहीं कि सुबह को मेरा नेता कोई, शाम को मेरा नेता कोई, दोपहर को मेरा नेता कोई। गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है? हाँ, गठबंधन की में ये कांग्रेस खाते में सीट गई है। वोट देंगे कांग्रेस उम्मीदवार को? पीडीए को वोट दूंगा, पीडीए उम्मीदवार को वोट दूंगा। कौन उम्मीदवार है पीडीए? अरे अभी आपने क्या कहा, मेरे नेता ने जिसको उम्मीदवार बना के भेजा, मेरे नेता की रणनीति है पीडीए, पीडीए पर काम करो, दलित, पिछड़ा, नौजवान, मुसलमान, जब ये सब इकट्ठा होकर एक मुश्त होकर वोट डालने काम करेगा तो पीढ़ी जितना काम हुआ। मुसलमान, पिछड़ा, ये है किसके साथ, हम आपसे ये जानना चाहते हैं फराद भाई। भाई आप तो पत्रकार हैं, आप तो सुबह शाम सारे में घूम रहे हैं, आप किसको वोट देंगे ये तो हम नहीं जानते, ये सब आप बता दो किसको। ये सब पीढ़ी के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है, पीढ़ी के साथ है, यानी कांग्रेस पार्टी के साथ आप रहेंगे। अरे भैया एक बात तो बताओ, मेरे नेता ने जब अलायंस किया, मैं अपने नेता की बात तो नहीं कर सकता, अपने नेता के साथ तो मैं रहूंगा ना, समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ ना, डोर टू डोर जाकर मैं काम कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए।
पीडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए है। पीडीए का प्रत्याशी यहाँ पे नाम बता दो पीडीए के प्रत्याशी का। भाई मेरे लिए प्रत्याशी है, मेरे लिए मेरे गठबंधन ने जो प्रत्याशी बना भेजा इमरान मसूद जी। मैं अपने मुझसे क्यों बताऊं, सबको पता कौन प्रत्याशी पीडीए का, पिछड़ा प्रत्याशी तो माजिद अली जी हैं और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं इमरान मसूद। नहीं, पिछड़ा प्रत्याशी तो मेरी बहन लंदन से पढ़ी हुई है माशाल्लाह, मरहूम मनोवर हसन साहब चारों सदनों पर रहे, जिनको इनकी ब्यादी के रिश्तेदार क्या कह रहे हैं कि हसन परिवार द्वम दर्जे के नेता है, छोटे नेता है, और इनको क्या बता रहे हैं इंटरनेशनल। अब भाई ये बात जा चुकी है, अब बैकवर्ड समाज खाता है खस्ता, बताता है रास्ता। अब बैकवर्ड समाज के पास अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, बोलने सलीखा भी दे दिया और चुनाव लड़ने सलीखा भी दे दिया, सब काम करने सलीखा दे दिया। पहले इन्हीं के पास था, पहले गुज्जर क्या, गाड़ा क्या, तेली क्या, नाई क्या, धोबी क्या, कुरेसी क्या, सब इन्हीं के साथ था। लेकिन अब सब लोग जाग गए और मैं इसका सिरे फिरोज आफ्ताब साहब को देना चाहता हूँ। फिरोज आफ्ताब साहब ने इस सहारनपुर में एक ऐसा पौधा लगाया बैकवर्ड समाज का, आज वो हरा भरा नौजवान होता नजर आ रहा है। अब मैं आपकी बात कुछ समझ रहा हूँ। फिरोज आफ्ताब जी का जब आपने जिक्र कर दिया, कांग्रेस में थे, कैराना में समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरासन का, सहारनपुर में समर्थन कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार माजिद अली जी का, तो आप भी नहीं। मैं नहीं, फिरोज आफ्ताब साहब कांग्रेस में है, कांग्रेस छोड़ी आज तक भी है, वो आज भी कांग्रेस में है, लेकिन उनके लिए पार्टी को मैंने रखती है, उनके लिए उनका मुद्दा मैंने रखता है। क्या मुद्दा है? बैकवर्ड, उनका मुद्दा बैकवर्ड है, बैकवर्ड की आवाज बुलंद करते हैं, वहां पे इकरासन चल रहे हैं उनको समर्थन किया, यहाँ पे कोई जो बहुजन से लड़ रहा है उनको समर्थन किया। आप किसको समर्थन करेंगे? जैसे आपने कह दिया बहुजन को समर्थन कर रहे हैं, आप किसको समर्थन करेंगे? पीडीए, दलित, मुसलमान, पसमांदा जिसे कहते हैं उसको। अच्छा, जो मोदी जी की है वो पसमांदा मुसलमानों को सम्मान देने की नीति, यानी भाजपा के साथ आप रहेंगे? नहीं, पीडीए मेरे नेता के लिए ज्यादा समाज पार्टी है और वो इस उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, और बार बार मैं ये कहता हूँ उनकी रणनीति पीडीए है कि भाजपा रहो देश बचाओ, जब भाजपा हारेगी जब भी देश बचेगा। सहारनपुर में भाजपा को कौन हरा रहा है? पीडीए, आप कहेंगे पीडीए इमरान मसूद जी हरा देंगे? पीडीए हराएगा भैया, दलित मुसलमान इकट्ठा होकर ऐसा जवाब देगा कि इस चुनाव की गूंज बहुत दूर तक जागी और बहुत दूर तक जागी, बहुत बहुत लंबे समय तक लोग इस चुनाव को याद रखेंगे। जब आपने पिछड़ा और दलित और मुसलमान की बात कर दी तो मुझे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का वो संबोधन याद आ गया, जब वो अपने वोटरों को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे। तो अब मैं आपका इशारा कुछ समझ रहा हूँ। नहीं परवेज भाई, देखो इशारा क्यों, इशारा एक बात तो होता मुझे, आप हम आपसे ये बार बार कह रहे हैं हमारी बहन इकर हसन क्या पीडीए प्रत्याशी नहीं है? को है नहीं तो अखिलेश जी ने तो लिखा है पीडीए की बारी 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 सबको मिलेगी हिस्सेदारी। पिछली बार हज्जी फजल रहमान साहब को मिली, इस बार किसी और को मिली, इस बार किसी और को मिलेगी। पीडीए की ये तो रणनीति है कि वो बड़ा बार 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 सबको हिस्सेदारी देगा। इस बार इमरान मसूद है, इस बार इमरान मसूद, अब वो कौन, वो तो जनता तय करेगी ना। आप किसको बताओगे? आप भी तो बताओ फराद भाई, कुछ खबरें तो बताओ, बता रहा हूं। सुनना चाहते हैं आप? मेरे नेता अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं मेरे कार्यकर्ता जाएं डोर टू डोर जाएं, पीडीए को मजबूत करें और पीडीए के साथ काम करें, और पीडीए मजबूत होगा तो भाजपा हारेगी, और भाजपा हारेगी तो ये प्रदेश बचेगा, ये देश बचेगा और हम बचेंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं डोर टू डोर जाए, फराद आलम जी जा रहे हैं डोर टू डोर जा रहा हूँ भैया। पीडीए के उम्मीदवार से मुलाकात हुई? पीडीए के उम्मीदवार से मुलाकात हुई, पार्टी कार्यालय मुलाकात हुई मेरी, और कई जगह कार्यालय मुलाकात होती है मेरी उनसे। किस तरह का चुनावी माहौल देख रहे हैं? बहुत शानदार चुनाव चल रहा है असल ना, बहुत शानदार। बसपा को कहाँ देख रहे हैं? बसपा को देखो, बसपा को तो अभी मैं इनका बयान सुन रहा था, जो हमारे प्रत्याशी है, बड़ी अच्छी सी बहुत हल्की सी बात कर रहे हैं वो बसपा के, बसपा के बारे में। लेकिन कभी किसी को कम ना आंकना चाहिए, देखो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, कभी किसी को हल्का ना मानना चाहिए। क्या कहा है उनके बारे में? क्या कहा है आप? 5 लाख की बिरादरी को
माजिद बेचारा, माजिद बेचारा। अरे भाई ऐसी बात तो ना करो कि किसी को ठेस पहुंच जाए, उसके समाज को ठेस पहुंच जाए, ऐसी बात तो ना करो। बेचारा मतलब बेचारा कौन होता है, कौन होता है बेचारा? उसके तो माशाल्लाह घर परिवार सब कुछ है, और उसकी तो अभी जो हमने देखा अखबारों में आया है माशाल्लाह बहुत अरबपति है, अरबपति है, बहुत बहुत दूर तक कारोबार है, तो बेचारा कैसे होगा वो? लेकिन ये देखो क्या क्या बोल रहे हैं, बेचारा राजनीतिक रूप से बेचारा बता रहे होंगे। अभी ये तो जवाब दे सकते इस बात का, आप क्या सोचते हैं? जो स्टेटमेंट आपने बताई कि अभी ये बेचारे वाली, अभी मैं एक संबोधन सुन रहा था, आपकी पार्टी के एमएलसी हैं वो कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं वो वोट कटवा है, और उनके समाज का वोट लगभग 70,000 है, उसमें से 40,000 पड़ेगा, कुछ इमरान मसूद भी लेंगे, कुछ माजिद अली जी भी लेंगे, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट कटवा बता रहे। अभी मैं अगर आपके इस पे वीडियो चला दूं, जो हमारे प्रत्याशी है वो एक जिला पंचायत को चुनाव हो रहा था, उसमें हम लोग क्या बता रहे थे, वीडियो दिखाइए क्या बता रहे थे, दल्ले, उनके भतीजे क्या बता रहे थे, ये मेरा फोन है, आप ये रहा, क्या बता रहे थे वो, आप वीडियो दिखा। और सुनिए एक नया वीडियो आया है, अब मैं आपको सुनवाता हूं, एक मिनट आप। सुनो ये कल का बच्चा, ये गीतों का सुन ले, ये शेर का शिकार नहीं कर सकता तुम्हारा शिकारी, जंगल का चुराए तुम्हारा शिकारी, ये शेर है, ये शेर है इमरान मसूद, और शेर का शिकार कीड़े नहीं कर सकते अभी हमजा मसूद और उसके जैसे हजार करने वाले इमरान मसूद की जिंदा है, तुम जैसे गीतों से शेर का शिकार नहीं कर पाएंगे। कल शनाख्त और ये गुलामी नहीं तो हम भी जहन है, मतलब आप क्या मान रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? कल का बच्चा क्या कर रहा है, हमें अदब से पुकारो, हमें सलाम करो, क्या मैंने सलाम करने के लिए रह गया? क्या ये बैकवर्ड समाज ने सलाह भी करता रहेगा? सिर्फ बात यह है कि मेरे नेता ने गठबंधन किया हुआ है, और मैं अपने नेताजी की लाज रखूंगा, और अपने नेताजी की लाज रखता हुआ मैं गठबंधन पूरा निभा रहा हूँ, खून के घूंट पी रहा हूँ। लेकिन मेरे नेताजी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता श्री समाजवादी पार्टी को बनाने वाले आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का फोटो उनके पोस्टर पर लग जाए, और जो मेरा यहाँ विधायक समाजवादी पार्टी के विधायक है उनके फोटो उनके पोस्टर पे लग जाए, और नहीं तो देख लो भैया जिस तरह से पहले आज उन्होंने क्या नारा दिया, मेरा मान मेरा संविधान, कभी देखा कि ये बात, मेरा अकेले का 70 साल जो जो जनता उन्हें वोट देती आ रही उनका कोई सम्मान नहीं है, इस बार भी नारा क्या दे रहा, मेरा मान मेरा संविधान। मेरा तो कुछ नहीं होता ना, हमारा होता है, हमारा मान हमारा संविधान, ये नारा ठीक था, लेकिन मेरा क्या मतलब है, मेरा तो गलत है ना। हमें गठबंधन से कोई शिकायत नहीं है, हमें गठबंधन प्रत्याशी से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत किससे है फराद भाई? शिकायत तो है अभी आप वीडियो दिखा रहे हैं, उनके बदजुबानी से। किनकी? अरे भैया जो अभी अभी सुने तो वीडियो, क्या करें, एक बच्चे भी सलाम करो मैं। और देखिए चुनाव जो है इतना शानदार चुनाव चल रहा है, चुनाव जो खराब होगा तो इन खुद को ही बदजुबानी जो खराब होगा। यानी आप मानते हैं आज मुकाबले में है इमरान मसूद? अरे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अभी क्या है, अभी चुनाव चल रहा है, अभी चुनाव चल रहा है, और चुनाव जो खराब होगा वो इनकी बदजुबानी जो खराब होगा। आज आप ये देखिए कि पूरा परिवार किस किस तरह के अल्फाज, अभी तो शुरुआत हुई है, किस किस भड़ास निकाल लेगा। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश यादव जी के साथ हैं, पीडीए के साथ हैं, हम फिर जनता से अपील करेंगे कि एक का वोट पीडीए को देने का काम करें, और इस चुनाव मसूद को वोट देने का काम पीडीए,
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, मुसलमान, उसमें सभी आ जाते हैं। फराद भाई, आप तो बात कर रहे हैं पीडीए की, आपके समाज के 7 से 8 गांव में कर चुका हूं, वहां तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन की बात कर रहा है गाड़ा समाज। भाई देखो एक बात सुनो भाई, मेरा अधिकार मेरे वोट का, आपका अधिकार आपके वोट का। हम लोगों से जाकर मांग सकते हैं, कह सकते हैं, देना ना देना तो उनकी हो। आपके गांव में ही आपके प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि ये वोट कटवाए इमरान मसूद। नहीं, हमारे गांव में पीडीए प्रत्याशी कोई विरोध नहीं कर रहा। अभी मैं देख रहा था माजिद अली जी का बड़ा समर्थन मिल रहा है आपके गांव से। अब देखो भाई, जहां कोई जाएगा वो हर आदमी अपनी बात बात रखेगा, लेकिन मेरे गांव में पीडीए प्रत्याशी के साथ में सब लोग लामबंद है। तो इमरान मसूद और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला होगा? मैं ये कह सकता हूँ, मैं तो देखो भविष्यवाणी कर सकता कि जैसे मान लीजिए पिछले कुछ लोगों ने कहा था गंगू में इस बार 1 लाख पार, इस बार नारा दे रहे कुछ लोग, कुछ कुछ देखो हमने जैसे भाजपा ने नारा दिया अब की बात 400 पार, देखो मैं भविष्यवाणी कर सकता, वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, वो किसको इज्जत देगा किसको जिल्लत देगा वो तय करेंगे, ये आवाम तय करेगी फिर उसके बाद। अच्छा एक चीज बड़ी इमरान मसूद की ओर से, आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार है उनकी ओर से कही जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार है वोट कटवाए। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कौन कह रहा है इस बात को? आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। कौन से नेता ने कहा? जो चुनावी प्रचार कर रहे हैं लोगों के बीच ही। ऐसा नहीं है, हमारे नेताजी अखिलेश यादव जी बार बार ये कहते हैं कि हम बहन जी का सम्मान करते हैं, बुआ जी का सम्मान करते हैं, और सभी कार्यकर्ता नेता को हिदायत दी कि बहन जी बारे में कोई भी गलत शब्द न बोले। तो बहन जी बारे में कौन गलत शब्द बोल सकता है? समाजवादी पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता बहन जी बारे में गलत बोल सकता है? मैं आपसे एक सवाल, आखिरी भी सवाल है मेरा ये आपसे, आप सहारनपुर लोकसभा में जो आपके गठबंधन के उम्मीदवार हैं और जो बसपा के उम्मीदवार हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, अगर आप उनको रैंकिंग देंगे, यानी कौन आप, आपके व्यक्तिगत राय में आपकी ले रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा कि आप भविष्यवाणी करें, व्यक्तिगत राय आपकी ले रहा हूं, क्या मानते हैं? परवेज भाई देखिए, अभी रमजान चल रहा है और अभी ईद आएगी, खुशियां मनेंगी, सीर खाएंगे, पकौड़े भी खाएंगे, और उसके बाद फिर जब सब मिल बैठ कर बात करेंगे, तो मैं जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी कि कब तक जुदा जुदा रहोगे, कब तक साथ ना होगे, मिल पकड़ बैठो, मिल कर सोचो, वरना सब मर जाओगे, तो एक शेर और भी है कि खोटे सिक्के हवा में उछालते क्यों हो, खोटे सिक्के हवा में उछालते क्यों हो, और ऐसे लोगों को पालते क्यों हो, जिनकी फितरत में ना हो वफा, अपने आप को मुश्किलों में डालते क्यों हो, खुदा हाफिज। ये शायरी किसके लिए है? खुदा हाफिज दुनिया भी, ये शायरी किसके लिए? बस जनता समझ जाइए जिसके लिए। मैं तो समझा नहीं, आप भी खुद समझ गए, आप आपकी मुस्कुराहट बता रहे कि आप समझ गए हैं। आप बता दीजिए किसके लिए? बस वो तो जनता समझ, तो शेर है, बहुत मासूम से समर्थक है हमारे, इतना नहीं समझ पाते, आप बता दीजिए। सब समझ जाएंगे, आपके सारा जाए भैया क्या है आपके सारा? मैं तो एक पत्रकार हूं और आपकी जो बातें होंगी वो दिखाएंगे, आप बताइए, हमारा तो कोई सारा नहीं है। हमारा तो आप लोगों से भी है और पूरी जनता से भी आपके माध्यम से अपील है कि पीडीए के प्रत्याशी हमारी बहन इकरा हसन हो, या पीडीए के प्रत्याशी सहारनपुर में हमारे हो, उन सबको भारी मत। नाम बताइए, जैसे आपने इकरा हसन का नाम बताया ऐसे ही सहारनपुर में भी नाम बताइए। पीडीए प्रत्याशी इमरान मसूद, वहां पे इमरान मसूद, वहां पे सुनिए बात, वहां पे हमारी प्रत्याशी हमारी बहन इकरा हसन है, और यहाँ पे पीडीए की प्रत्याशी सब लोग जानते हैं, तो सभी लोगों से इशारे इशारे में आप माजिद अली की बात कर नहीं, रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो ये आप मेरे जुबान से क्यों बात करना चाह रहे हैं, किस तरह की बात? वो हमारी पार्टी से नहीं है, वो हमारे गठबंधन से नहीं है, हमारे गठबंधन से पीडीए प्रत्याशी है। पीडीए तो है, पीडीए का समर्थन तो उन्हें कहा जा रहा है, पिछड़ा दलित, तो आप लगातार बात हो रही है। हाँ तो मैं भी तो बार बार मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ, पीडीए प्रत्याशी को जिताओ ताकि यहाँ से उत्तर प्रदेश से भाजपा को उखाड़ फेंकने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ से हम लोग, यानी जो फिरोज आफताब जी कह रहे हैं उस बात का आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखो एक बात सुनिए, फिरोज आफताब एक विचारधारा है, वो बहुत बड़े नेता है, मैं उनका एक बार, उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? किस बात से? जो वो कह रहे हैं कैराना और सहारनपुर में। देखो एक बात सुनो,
मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो कांग्रेस वाले लोग बताएंगे ना, वो कांग्रेस में हाल फिलहाल कांग्रेस में कैसे रह गए, सहारनपुर में बसपा प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं और कैराना पर वो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारी हसन को समर्थन कर रहे हैं, कैसे रहेगी इस बात का जवाब तो सब दे सकते हो ना। मैं इस बात का जवाब, आप उनके बड़े करीबी हैं। नहीं मैं तो देखो, मैं तो अपना, आपने कहा कि मैं उनकी विचारधारा से प्रभावित हूँ, आपने शुरू किया था इस बात से। मैं कहता हूँ लेकिन मैं अपना गठबंधन धर्म निभा रहा हूँ। आप निभा रहे हैं, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। अब तुम्हें क्या लग रहा है ये तो मैं कह सकता, लेकिन आप इमरान मसूद के साथ? मैं पीडीए के साथ हूँ। बड़ी गोल गोल बात कर रहे हैं, हम तो समझ नहीं पा रहे, और उम्मीद है दर्शक भी हमारे नहीं समझ पा रहे होंगे। नहीं बट दर्शक आपको कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या है पीडीए, क्या है पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, नौजवान, आधी आबादी, अगड़ा, उसके अंदर सब है पीडीए में।